बिहार के भागलपुर जिले अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के दियारे क्षेत्र की लड़कियां अखाड़े में कुश्ती की तैयारियां कर रही है। ये लड़कियां मामूली खिलाड़ी नहीं है। आपको बता दें कि ये जिले और बिहार राज्य के बाहर भी अपने दम और हिम्मत का लोहा मनवा चुकी है। ये सभी लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं। इन्होंने सब जूनियर, जूनियर, सीनियर प्रतियोगिताओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। छोटे से गांव गौघट सुब्बा नगर की ये लड़कियां उच्च विद्यालय बुद्धचक की अखाड़े पर कुश्ती, कबड्डी, एथलेटिक्स खेलने आती है। ये लड़कियां गांव समाज के ही नहीं बल्कि उस पुरुष की मानसिकता को भी कमजोर करती है जो लड़कियों को घर के आंगन की चार दीवारी के अंदर कैद कर रखना चाहते हैं। ये लड़कियां समाज से सिर्फ सम्मान चाहती है, इसके बाद ये लड़कों की तरह हर कार्य को कर सकती है। मैदान में खेलने के लिए इन लड़कियों की अभिभावक का पुरजोर समर्थन और सहयोग रहता है, लेकिन अभिभावक से बढ़कर अखाड़े के गुरु खेल शिक्षक सिकंदर प्रसाद यादव योगदान करते हैं। खेल प्रशिक्षण से लेकर बच्चों का ख्याल माँ पिता की तरह करते हैं। सिकंदर जी का एक स्लोगन है, वो ये है कि बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी तभी तो बेटी खेलेगी। बेटियां भी इन स्लोगन को सच करने के लिए तन मन धन से मेहनत कर रही है। इसके साथ साथ शिवशंकर राय, विनीत रंजन, शिपिन कुमार, निखिल रंजन का सहयोग रहता है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कहलगांव से अजंता की रिपोर्ट। बरस से बच्चियां सब प्रैक्टिस मेरे सामने में है। तो आप इनके भविष्य के लिए क्या क्या? बिल्कुल, इनके इनके भविष्य के लिए अनंत जिसका अंत नहीं वहां तक मैं चाहता हूँ ये पहुंच जाए। उतने ऊंचाई पर पहुंचे कि समूचा हिंदुस्तान देखे इनको एक ही जगह से, यही हमारी कामना है। बच्चे कहाँ तक खेले हुए हैं? बच्चे हमारे नेशनल तक खेले हुए हैं, दो दो नेशनल खेले हैं बच्चे। आप बच्चे को किस किस इवेंट्स में प्रैक्टिस कराते हैं? मैं बच्चे को फिजिकल तो जितना वह सब कराता हूँ, साथ में कबड्डी और ये कुश्ती, ये दोनों। कबड्डी में मेरी बच्ची सब नेशनल गई है, कुश्ती में भी नेशनल गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच के सर सुविधा है? कहीं कुछ सुविधा इसके बारे में तो हम लोग सर बड़ा पापी हैं कि ऐसे यहाँ पर जन्म लिए हैं बिहार में, और उसमें भी भागलपुर में खेल के मामले में मैट की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बच्चियों सबसे भी इंटरव्यू लेंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी बात। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद यादव, खेल टीचर है। जी, मैं अशोक राम, एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक के रूप में फिजिकल टीचर हैं, समाज के बीच भी रहते हैं। ये बच्चे लोग का सर खेल के जो यहाँ भी प्रक्रिया चल रही थी आगे, ये सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ अपने गुरु जी को सिकंदर यादव को जी, जिनकी प्रेरणा से आज इन बच्चियों को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम किन शब्दों से इनकी बड़ाई करूँ, जबकि आप जानते हैं कोरोना का अभी समय है, लेकिन फिर भी खेल के माध्यम से इसका शरीर का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। इन लोगों को कभी कोरोना का भय नहीं है, फिर भी हम तो देखे हैं सिकंदर भैया को, गुरु जी को, स्थानीय विधायक से भी चट्टी का मांग किए हुए थे कबड्डी के लिए, लेकिन फिलहाल जो भी हो नहीं दिया गया, अफसोस है। और यही नहीं, जब बच्ची जब जाती है खेलने के लिए, चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो, सरकार की ओर से कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाती है। हम लोगों के सहयोग से किसी तरह गुरु जी ले जाते हैं। हम तो निवेदन करते हैं सरकार से कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एथलेटिक्स और खिलाड़ियों के पीछे कुछ सरकार इनको डोनेट करे, गुरु जी को भी इससे संपर्क करके कुछ डोनेट करने की मांग करते हैं। और जो खेलता है उसका आचरण और डिसिप्लिन वो जीवन भर उसको जो है आगे बढ़ाता है, इसलिए तो बहुत जरूरी है। और गुरु जी को हम नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। विजय शंकर प्रसाद राय है, ग्राम बुद्धचक है। हम लोग अभिभावक के रूप में बीच बीच में आते हैं सहयोग करने। आप सिकंदर सर को किस प्रकार हेल्प करते हैं? हम लोग अभिभावक के रूप में इनको जिस तरह होता है, आर्थिक रूप में चाहे जिस रूप में, हर ढंग से, शारीरिक रूप से भी, जहाँ भी जरूरत होती है हम लोग खड़ा रहते हैं हर समय। परिचय दीजिए। मेरा नाम विभास चंद्र यादव और दुर्गा पूजा बुद्धचक का मैं सचिव हूँ, पूजा समिति का। सिकंदर भैया मेरा चचेरा भाई है, और जो जब जहाँ भी कहते हैं उनके सहयोग में हम खड़ा रहते हैं, और बच्ची सबको भी
पूर्ण सहयोग करते हैं। हम जहाँ बुलाते हैं चले जाते हैं, एकदम खड़ा रहते हैं, धूप हो जाए बरसात हो उसमें खड़े रहते हैं। लक्ष्मी कुमारी फ्रॉम बुद्धक डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से रहने वाली निवासी हूँ। मैं स्पोर्ट प्लेयर हूँ, मैं ऑल इंडिया लेवल हैंडबॉल खेल चुकी हूँ। मैं अभी खेल छोड़ दी हूँ क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर 2 साल पहले हो चुकी है, इसी कारण बस मैं छोड़ के अपना पढ़ाई में ध्यान दी हूँ। और की बात है, बिहार में तो बहुत सारा प्लेयर है बट उनके पीछे सरकार का कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं है, मेहनत भी नहीं होता है। बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल खेल के छोड़ देता है क्योंकि उसके पीछे कोई लगाव नहीं रहता है। बड़े बड़े प्लेयर को अभी तो देखते हैं राजनीतिक के तौर पे खिलाड़ी को आगे पैसे के बदौलत पे लेके चला जाता है, लेकिन मेहनत प्लेयर अपना मेहनत के बल पे वो पीछे ही रह जाता है, इसी कारण बस आधे रास्ते में वो छोड़ देता है। मैं विनती करती हूँ सरकार से कि कम से कम मेहनत लड़के लड़कियों करती है बट उनके पीछे सरकार कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं। आज राजनीतिक के तौर पे वो पैसे के बदौलत पे अच्छे अच्छे प्लेयर को ले लेते हैं बट जो मेहनत करता है वो पीछे रह जाता है। आखिर वो क्या कर सकता है, कुछ तो उनके पास है नहीं, पैसे नहीं है वो आगे दे के चल सकता है और तो कुछ है नहीं। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि कम से कम मेहनत मेहनत के बदौलत जो बच्चे कर रहे हैं उनके पीछे ध्यान दिया जाए। और मैं विशेष कहने के लिए तो बहुत कुछ है बट बोलने में सक्षम नहीं है। मेरा नाम रूबी कुमारी गवट्टा में रहने वाली हूँ और मैं अपने गुरु जी के बदौलत इतना दूर तक पहुँच चुकी हूँ। और मेरे माँ बाप भी अच्छे हैं जो जाने देते हैं, ऐसे गांव घर का मतलब होता नहीं है। बहुत मतलब कोई लोग बोलते हैं कि बेटी है घर से बाहर मत जाने दो, ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे हैं जो किसी के बात में नहीं आते। कितना लोग होता है किसी के गार्जियन को भड़काना चाहते हैं कि नहीं बेटी जाते इसको घर से मत बाहर जाने दे, लेकिन बेटी कम कहाँ है आज, आज तो बेटी ही आगे चल रही है। और मैं अपने गुरु जी के वजह से इतना दूर तक पहुँच चुकी हूँ और आगे कबड्डी खेलते हैं। कहाँ तक पहुँचे कबड्डी में? हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे जाने वाले थे, फिर ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा पाए, इसी वजह से हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नहीं तो नेशनल जाते हम खेलने। क्यों बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत सहयोग करते हैं और मेरे पापा मम्मी को भी बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं और मैं कबड्डी खेलती हूँ।